नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे मटर और चावल के आटे से बिल्कुल नया नाश्ता। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं मटर का नया नाश्ता बनाना। तो चावल के आटा और मटर का बिल्कुल नया नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी को खौला लेंगे। हमने 500 ml पानी लिया है और एक चम्मच नमक डालेंगे इसमें। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमने 250 ग्राम चावल का आटा छान के ले लिया है, इसको हम इस बाउल में डालेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा नमक वाला बिल्कुल गर्म पानी इसमें डालेंगे, इस तरह से डाल के हम इसको चम्मच से मिलाएंगे। हाथ से नहीं मिलाएंगे, पानी बहुत गर्म है। आटा हमें ना बहुत ज़्यादा ढीला करना है और ना बहुत ज़्यादा टाइट, सेमी टाइट रखना है। अब हम इसको हाथ से समेट के देख लेंगे। गर्म पानी डालने से देखिए चावल का आटा तुरंत फूल गया है, और ज़रूरत होगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। अब ये देखिए ऐसा। देखिए इस तरह का आटा। अब इस आटे को तो हम ढक के साइड में रख देंगे और मसाला तैयार कर लेंगे। हमने एक बाउल फ्रेश हरी मटर ली है, इससे थोड़ा सा कट करेंगे हल्का हल्का। हमने मटर को इस तरह से क्रश कर लिया है। क्रश करने से मटर की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए हमें इस तरह से मटर को क्रश करना है। अब हमने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें 3 चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी को हम ऐसे ही बिना घी तेल के भून लेंगे। देखिए हमारी सूजी भुन गई है, हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये देखिए इसमें अच्छा कलर आ गया है और खुशबू भी आ रही है भुनने की। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। सूजी को अब हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। हमने वापस से उसी कढ़ाई को ले लिया है, कढ़ाई गर्म हो गई है। अब 10 ग्राम मक्खन डालेंगे इसमें। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा चटका लेंगे। हमारा जीरा भुन गया है। अब हम इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे, 1 चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ। आप मक्खन की जगह घी भी डाल सकते हैं और तेल भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, अगर आप खाओ तो डालो और नहीं खाते हो तो ना डालो। 3 इंच का अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, 2 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। आप प्याज लहसुन अदरक कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें मटर डालेंगे, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, इसका पूरा पानी सूख जाएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच ड्राई अमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर में नमक डालने से थोड़ा बहुत पानी रिलीज होता है। उस पानी को सुखाने के लिए और बाइंड करने के लिए हमने जो सूजी भून के रखी थी, अब ये सूजी इसमें डाल देंगे। इससे ये मसाला बहुत टेस्टी बनता है, इसमें क्रंचीनेस आ जाती है। हमें ज़्यादा घी तेल का भी प्रयोग नहीं करना है। अब ये सूजी से बाइंड होगा। हमने 1 आलू उबाल के छील के ले लिया है। आलू के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डालेंगे। इसको भी इसमें मिक्स करेंगे और अच्छे से भून लेंगे।
अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। स्टफिंग करने वाला मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इस मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस मसाले को थोड़ा ठंडा होने देंगे। बहुत अच्छा मसाला बना है हमारा। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, हम चावल के आटे की लोई बना लेंगे। हम इसको ऐसे करके उठाएंगे, इसको ऐसे ऐसे करेंगे लंबा और इसकी लोई बना लेंगे। हमारी लोई कट गई है, एक एक करके ऐसे उठाएंगे, इसको गोल कर लेंगे। गोल करके ऐसे रख देंगे। ये देखिए, ऐसे करके रख देंगे। हमारी 8 लोई बनके तैयार हुई है। हमारा मसाला ठंडा हो गया है और देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग हो रही है इसकी। ये देखिए, अब हम इस मसाले के इस तरह से छोटे छोटे रोल बना के रख लेंगे। ऐसे रोल बना के इस तरह के और रख लेंगे। इस वाले मसाले के भी ऐसे ही रोल बना लेते हैं। लीजिए, हमारे रोल बनके तैयार हो गए हैं। ये जो मसाला बचा है, इसका आप पराठा बना के खा सकते हैं, आलू की कचौड़ी बना के खा सकते हैं, या कोफ्ता, कुछ भी बना के खा सकते हैं। हमने एक बाउल में पानी लिया है, अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो पानी से हेल्प लेंगे। अब हम चावल की एक लोई उठाएंगे, इसको इस तरह से करके थोड़ा पतला कर लेंगे दबा दबा के। ये देखिए, हम घी तेल ज़्यादा काम में नहीं लेंगे, इसलिए हम पानी से हेल्प लेंगे। सिर्फ एक चम्मच मक्खन में बनाएंगे ये नाश्ता। अब हम इसको इसके अंदर रखेंगे और इसको बिल्कुल कवर कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। पूरा इसको बंद कर देंगे ऐसे। अब इसको हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, इसको हमने चारों तरफ से कवर कर दिया है। ये देखिए, कहीं से खुला नहीं है। इसी तरह से हम ये वाले भी बना लेते हैं। हमारे रोल बनके तैयार हो गए हैं। देखिए, हमने 100 ग्राम मूंग की धुली हुई दाल आधा घंटे भिगो के और कपड़े से अच्छी तरह से सुखा के ले ली है। दाल को हम इस तरह से प्लेट में फैला देंगे। ये कह रहा, हमारी दाल बहुत अच्छे से फूली हुई है। अब हम एक बाउल में सादा पानी लेंगे, इसको रखेंगे और हाथ पे इस तरह से इसको लगाएंगे, पानी को जैसे तेल लगाते हैं ऐसे लगाएंगे। रोल को उठाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे और इस दाल पे ऐसे कर देंगे। ये दाल इस पे चिपकानी है पूरी। ये देखिए, इस तरह से दाल को रोल के ऊपर चिपका लेंगे। इसको हम इधर रख देंगे। इसी तरह से हम ये वाले भी बना लेते हैं। इस तरह से हम रोल तैयार कर लेंगे। हमने एक कढ़ाई में 1 लीटर पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया है। पानी हमारा खौलने लगा है। अब हम इसके ऊपर ये चलनी रखेंगे और ये जो हमने रोल तैयार किए हैं, ये एक एक करके इस चलनी के ऊपर रखेंगे। अब हम इसको ढक्कन से कवर कर देंगे। नाश्ता को बनते हुए 15 मिनट हो गए हैं। आइए चेक कर लेते हैं। हमारा नाश्ता बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। इसके बनने की ये पहचान है कि दाल में चटके पड़ गए हैं और दाल का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। दाल हमारी बिल्कुल गल गई है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, चावल का भी कलर चेंज हो गया है। पहले एकदम वाइट थे, अब पके हुए चावलों का कलर आ गया है इसमें। लीजिए, हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। अब हम इसको गर्मा गर्म परोसेंगे।
ये देखिए, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है और हमारी दाल भी बहुत अच्छे से पक गई है। ये देखिए, ये नाश्ता बिल्कुल नया है और बहुत हेल्दी है। हमने एक चम्मच बटर से इसको तैयार किया है और कहीं कोई तेल, घी, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। है ना, बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा और बनाने में भी बहुत आसान। तो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए, और कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए कि ये बिल्कुल नई नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे ही एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।